नमस्कार मित्रों, मैं हूँ जागृति पटेल और आप देख रहे हैं जेएम के खजाना। तो मित्रों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार यानी वर्णमाला। तो चलो शुरू करते हैं। वर्ण विचार यानी कि वर्णमाला। वर्ण विचार वाक्य के उस भाग को कहते हैं जिसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों का निरूपण होता है। वर्ण या अक्षर, तो अक्षर यानी कि वर्ण अर्थात जिसका क्षय न हो, जिसको टुकड़ों में विभाजित न किया जा सके, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। जो क्षर न हो उसे अक्षर कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो सके, जैसे अ, ई, क, ख इत्यादि। सबेरा हुआ, इस वाक्य में दो शब्द है, सबेरा और हुआ। सबेरा शब्द में तीन ध्वनियां सुनाई पड़ती है, स, बे, रा। इन तीन ध्वनियों में से प्रत्येक ध्वनि के खंड हो सकते हैं, इसीलिए वह मूल ध्वनि नहीं है। स में दो ध्वनियां हैं जो वर्ण कहलाती है। सबेरा शब्द में स, अ, ब, ए, र और आ, ये छह मूल ध्वनियां हैं। इस प्रकार वर्ण या अक्षर किसी भी उच्चारित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है। प्रत्येक भाषा वर्ण पर आधारित होती है। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं और वर्णों के लिखने का काम प्रत्येक भाषा में भिन्न होता है। प्रत्येक भाषा की वर्णमाला में वर्णों की संख्या अलग अलग होती है। इस प्रकार वर्णमाला भाषा का मूलाधार है। अंग्रेजी में 26 एवं हिंदी में 44 वर्ण है। ये वर्ण प्रमुख रूप से इस प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। तो हम पढ़ेंगे स्वर। तो स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और रु। जिन वर्णों का उच्चारण श्वास के द्वारा बिना किसी सहायता से स्वतंत्रता पूर्वक एवं सरलता पूर्वक किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। इन स्वरों के उच्चारण में उच्चारण करते समय मुख में किसी भी प्रकार का घर्षण नहीं होता है, जैसे अ, ई, उ, ए स्वर कहलाते हैं। स्वर के दो प्रकार है, एक हस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। हस्व स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कम से कम समय लगता है और कम से कम श्रम का व्यय होता है, उन्हें हस्व स्वर कहते हैं। भाषा विज्ञान के अनुसार एक मात्रिक उच्चारण काल को हस्व स्वर कहते हैं। इनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है, उदाहरण अ, ई, उ इत्यादि। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में हस्व स्वर की उपेक्षा दूना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार द्विमात्रिक उच्चारण काल को दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जैसे आ तो अ प्लस अ, ई तो ई प्लस ई, उ तो उ प्लस उ, ए तो अ प्लस ई, ऐ तो अ प्लस ए और ओ तो अ प्लस उ और औ तो अ प्लस ओ। इस प्रकार हस्व दीर्घ स्वर मिलाकर 11 स्वर है। मित्रों, हमने वर्ण विचार और वर्ण या अक्षर के बारे में समझा और स्वर के दो प्रकार हस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में समझा। आगे के वीडियो में हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।